नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा टॉपिक है SC दुबे, श्यामाचरण दुबे। इनकी जो प्रमुख अवधारणाएं हैं और जो समाजशास्त्र में इनका योगदान है, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। SC दुबे एक समाजशास्त्री होने के साथ साथ एक मानवशास्त्री भी रहे हैं और इन्होंने प्रमुख रूप से संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक उपागम को अपने अध्ययन का आधार बनाया और इस उपागम के आधार पर इन्होंने गांवों का अध्ययन किया। और इनका जो शोध कार्य है वो मध्य प्रदेश की जो कमार जनजाति है उसमें बदलती हुई खेती के आधार पर इनका जो शोध कार्य इन्होंने पूर्ण किया। और इनके अध्ययन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ग्रामीण भारत में जो ग्रामीण जीवन है उसके धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों आदि का चित्रण करना था। और इनकी जो अध्ययन पद्धति है, इन्होंने अपने अध्ययन के लिए जो पद्धति अपनाई वो है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, निगमनात्मक सकारात्मक पद्धति, निदानात्मक और परिचर्यात्मक पद्धति। साथ ही इन्होंने अंतर विषयक पद्धति के आधार पर भी अपने अध्ययन किए हैं। और वृद्ध स्तर पर इन्होंने SC दुबे ने भारतीय गांवों का गहन विश्लेषण कार्य किया है। अब हम देखेंगे कि SC दुबे का जो समाजशास्त्र है उसमें क्या योगदान है। तो सबसे पहला जो योगदान है वो है ट्राइबल सोसाइटी के बारे में। इन्होंने मध्य प्रदेश की कमार जनजाति का अध्ययन किया और इस कमार जनजाति की संपूर्ण जीवन पद्धति को इन्होंने देखने का प्रयास किया। और ये जो जनजाति है वो स्थानांतरित कृषि कार्य करती थी और उन्होंने इस जनजाति का अध्ययन निरय जाति और जो मानव जाति का जो वर्णन है इस प्रकार का अध्ययन इस जनजाति के बारे में उन्होंने किया। और कमार जनजाति का जो अध्ययन था वो उनके द्वारा जो किया गया अध्ययन था वो गहन अध्ययन नहीं था, केवल एक वर्णन मात्र था। और इस जनजाति से संबंधित जो जानकारी प्राप्ति की उन्होंने साक्षात्कार के द्वारा प्राप्त की। अगला जो योगदान है वो है इंडियन विलेज ग्रामीण अध्ययन। तो ग्रामीण अध्ययन के अंतर्गत इन्होंने जो अपनी पुस्तक है इनकी इंडियन विलेज, इसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश के तेलंगाना जिले के शमीरपेट का अध्ययन किया। इस अध्ययन में उन्होंने अंतर अनुशासन पद्धति यानी कि इंटर डिसिप्लिनरी मेथड का उपयोग किया है और तथ्य संकलन के लिए विभिन्न लोगों का इसमें सहयोग लिया गया, जैसे आर्थिक स्थिति के अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र के विद्यार्थी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए इतिहासकार आदि अलग अलग लोगों के द्वारा तथ्य संकलन का कार्य किया गया। इस अध्ययन में उन्होंने वृद्ध भारतीय समाज और संस्कृति को समझने पाया कि जो भारतीय समाज है और संस्कृति को समझने की बड़ी जो संभावनाएं हैं इस अध्ययन में उन्होंने पाई। और इस प्रकार इनका जो ये अध्ययन था ये किसी भारतीय गांव के जो विभिन्न पक्ष हैं, ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कर्मकांडीय संरचना, पारिवारिक संबंध, सामुदायिक जीवन और बदलते स्वरूप का एक प्रकार का विवरणात्मक और गवेषणात्मक प्रकार का अध्ययन था। इस अध्ययन में उन्होंने भारत में समाजशास्त्र के क्षेत्र में एक नए आयाम का उद्घाटन किया जो कि समसामयिक, क्षेत्रीय और आनुभविक अध्ययन पर बल देता है। और इस प्रकार उनका ये अध्ययन की जो प्रकृति थी वो समिष्टि मूलक थी जो कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विधि के प्रयोग पर बल देती है। और इस अध्ययन की जो आलोचना इस प्रकार की गई कि जो समीरपेट गांव के अध्ययन का जो संदर्भ था वो समाजशास्त्रीय है
था और इसमें गांव का केवल विवरण मात्र प्रस्तुत किया गया। और सबसे कमज़ोर पक्ष यह था कि इस अध्ययन के में कि इस पुस्तक में उन्होंने किसी भी प्रकार के सिद्धांत या अवधारणा को विकसित नहीं किया। नेक्स्ट जो योगदान है वो आता है इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, यानी भारत के बदलते ग्राम। तो इंडियाज चेंजिंग विलेजेस में पुस्तक में उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो गांवों राजपूत तथा त्यागी गांव का अध्ययन किया। इस पुस्तक में उन्होंने सामुदायिक विकास में मानव तत्व की महत्ता और उसकी जो मुख्य भूमिका है उसको रेखांकित किया है। साथ ही इसमें योजनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हुए विभिन्न जो सामाजिक परिवर्तन है और उनसे जो उत्पन्न समस्याएं होती है विभिन्न योजनाओं के फलस्वरूप, उनका भी इसमें उन्होंने विश्लेषण किया है। और इसमें प्रमुख रूप से उन्होंने तीन बातें बताई है कि भारतीय गाँव गतिहीन नहीं है बल्कि उनमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है। दूसरा है कि ग्रामीणों को वे परिवर्तन स्वीकार है जो कि उनकी रूढ़िगत मान्यताओं को ठेस नहीं पहुंचाते, यानी कि ग्रामीण जो लोग हैं वो वही परिवर्तन स्वीकार करते हैं जो कि जो वर्षों से चली आ रही जो पुरानी उनकी जो मान्यताएं हैं उनको किसी भी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचाते हैं। तीसरी जो बात कही है उन्होंने वो है कि जब सामाजिक परिवर्तन ऊँची जातियाँ स्वीकार कर लेती है तब निम्न जातियाँ उसे सहजता से अपना लेती है। इसके बाद अगला जो योगदान है वो है डेवलपमेंट विकास। उनकी जो पुस्तक है मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, इसमें उन्होंने कहा है कि जब तक भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से नहीं गुजरता भारत देश इसका औद्योगिक और कॉरपोरेट विकास नहीं हो सकता और इसी विकास में पूंजीवादी विकास भी निहित है। और एससी दुबे ने विकास की जो चार अवस्थाएं बताई है, प्रथम अवस्था में उन्होंने कहा है कि विकास का जो अर्थ है वो आम लोग आर्थिक विकास से लेते हैं, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, बाजार में जैसे अतिरिक्त उत्पादन, लोगों के उपभोग की मात्रा में वृद्धि आदि से विकास का अर्थ लिया जाता है। दूसरी जो अवस्था बताई वो ये कि सामाजिक संरचना के साथ संबंध। ऐसे दुबे ने बताया कि आर्थिक विकास का सामाजिक संरचना के साथ गहन रूप से संबंध है। आर्थिक विकास में मानवीय कारण की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इनकी अनदेखी करके जो विकास के जो लक्ष्य हैं उनको पूरा नहीं किया जा सकता। अर्थात इसमें परंपराओं, सामाजिक समस्याओं, रीति रिवाज, मूल्य, विश्वास, मनोवृत्तियाँ आदि विकास को आगे बढ़ने में सहायक या बाधक सिद्ध हो सकते हैं। अतः विकास की जो कोई भी योजनाएं इस प्रकार बनाई जाए कि वे इसमें बाधक नहीं बने। तीसरी जो अवस्था बताई है वो है प्रतिक्रियात्मक अभिवृद्धि, यानी कि कभी कभी विकास के जो अपर्याप्त आधारों के प्रति लोग योजना का विरोध भी करते हैं और तब उनमें संशोधन करना आवश्यक हो जाता है या उसे वापस लेना पड़ता है इस प्रकार की योजना को। फोर्थ जो इसकी अवस्था बताई है वो है चिंतनशील अवस्था। इसमें विकास को सामाजिक व्यवस्था और राष्ट्रीय तथा विश्व व्यवस्था के संदर्भ में देखते हैं एससी दुबे। इसमें सामान्य जन का कहीं कुछ अहित न हो जाए इस प्रकार की विचारधारा इसमें निहित है और वे सामाजिक न्याय की भूमिका को विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। अर्थात विकास का लाभ केवल कुछ विशिष्ट लोगों को ही न मिले बल्कि जो गरीब हैं और बहुत अधिक निम्न स्तर पर रहने वाले जो लोग हैं उनको भी विकास का लाभ मिलना चाहिए। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण के बारे में एससी दुबे ने कहा है कि आधुनिकीकरण मूलतः एक प्रक्रिया है, एक गति है या बहाव है जो परंपरा या अर्ध परंपरागत व्यवस्था से एक विशेष प्रकार की अपेक्षित प्रौद्योगिकी और इससे जुड़ी हुई सामाजिक संरचना, मूल्य अनुस्थापन,
प्रेरणाओं और मानदंडों की ओर चलता है। इसमें आधुनिकीकरण की विशेषताओं में उन्होंने बताया कि परानुभूति, मानसिक गतिशीलता, उच्च सहभागिता, स्पष्ट लक्ष्य, हितों का समन्वय, संस्थागत राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, तार्किक आधार पर लक्ष्यों एवं साधनों का आंकलन, धर्म, कार्य, बचत और जोखिम उठाने के प्रति नवीन दृष्टि, परिवर्तन की वांछनीयता, संभावना में विश्वास, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक अनुशासन, उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी, उच्च स्तरीय जटिल संस्थाएं और विशाल स्तर पर शिक्षा, ये आधुनिकीकरण की एससी दुबे ने विशेषताएं बताई है। और उनका मानना है कि भारतीय समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए आधुनिकीकरण सुलभ रास्ता है, सही रास्ता है, और आधुनिकीकरण जटिल परिवेश है। इसमें एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कई परिवर्तन सम्मिलित हैं और कुछ का संबंध सांस्कृतिक अर्थों से है और कुछ का संबंध परिवर्तन की प्रक्रियाओं की जो प्रकृति है उससे है। एससी दुबे ने भारत में जो आधुनिकीकरण का एक प्रकार का राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया है, जिसमें उन्होंने चार प्रमुख बातें बताई है। फर्स्ट है कि समाज को संबद्धता बांधने वाले तत्वों को मजबूत करना है और नियोजित तरीकों से विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे निर्जातीय समूहों, धार्मिक क्षेत्रों, आर्थिक क्षेत्रों में अंतर्निर्भरता बढ़ानी आवश्यक है आधुनिकीकरण के लिए। वैधानिक स्थापित अधिकारों का समर्थन होना चाहिए और लोग संसदीय व्यवस्था को अपनी स्वीकृति दें, जो जनता है वो उसके द्वारा जो संसदीय व्यवस्था है देश की उसको स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। सेकंड है कि सामाजिक सहनशीलता और सामाजिक अनुशासन आवश्यक है और ऊपर से नीचे तक लोगों को अनुशासित और सहनशील होकर, प्रतिबद्ध होकर योजनाओं को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए और जो समाज के जो मानक हैं, मूल्य हैं, उनके प्रभावीकरण में भेदभाव और विद्रोही परिस्थिति को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए समाज में सहनशीलता और अनुशासन होना आवश्यक है। थर्ड है, कोई भी नीति बनाने के लिए बनाने या उसको प्रभावी तरीके से लागू करने में विशेषज्ञता के साथ साथ स्वतंत्र दृष्टि को भी इन्होंने आवश्यक बताया है। और फोर्थ है कि पुरस्कार की व्यवस्था हो समाज में, जिससे कि कार्य क्षमता को प्रोत्साहन मिल सके और अक्षमता और भ्रष्टाचार को समाप्त कर सके और नौकरशाहों तथा जो अन्य लोग हैं उनमें इस प्रकार के जो नैतिक नियंत्रण की आवश्यकता एससी दुबे ने बताई है। सार रूप में उन्होंने कहा है कि भारत में आधुनिकीकरण के जो प्रयास है वो संतोषजनक नहीं है और जो अभिजन स्तर है यानी उच्च स्तर है वहाँ पे आधुनिकीकरण हुआ है, जबकि निम्न स्तर के लोगों में अभी भी आधुनिकीकरण नहीं हुआ है और आधुनिकीकरण की दौड़ से वो अपने आप को उपेक्षित मानते हैं या उपेक्षित है। नेक्स्ट जो योगदान है वो है कास्ट रैंकिंग, जाति श्रेणियाँ। एससी दुबे ने अपनी पुस्तक में कहा है कि गांव में जाति श्रेणियों का मुख्य आधार जो है वो सांसारिक पवित्रता और अपवित्रता की धारणाएं हैं और रोजमर्रा के जो धार्मिक कर्मकांड है, भोजन संबंधी निषेध हैं, व्यवसाय का जो संस्करण है और जीवन चक्र संबंधी संस्कारों के जो नियमाचार है, प्रथाओं का पालन है आदि समाज में जाति पद क्रम को निश्चित करते हैं। और एससी दुबे ने गाँव में जाति पदक्रम का जो मुख्य मापदंड है वो सांसारिक बताया है, न कि आर्थिक बताया है। साथ ही एससी दुबे ने एमएन श्रीनिवास की जो प्रभु जाति डोमिनेंट कास्ट की जो अवधारणा है उसके प्रति असहमति व्यक्त की है और ये बताया है कि राजनीतिक शक्ति संपूर्ण जाति में निहित न होकर जाति के कुछ लोगों में केंद्रित होती है, यानी प्रत्येक गांव में कुछ प्रबल व्यक्ति
यानी प्रबल जाति की अपेक्षा प्रबल व्यक्ति होते हैं जिनकी गांव के संचालन में निर्णायक भूमिका होती है और राजनीतिक गतिविधियों का संचालन, झगड़ों को निपटाने, युवाओं का मार्गदर्शन करने, गांव में उत्सवों को मनाने, गांव में संगठन बनाए रखने, चुनाव लड़ने आदि में ऐसे जो प्रबल व्यक्ति हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए एससी दुबे ने व्यक्ति को प्रबल माना है, न कि एक पूरी जाति को। नेक्स्ट जो योगदान है वो है यूथ कल्चर। एससी दुबे ने अपने एक शोध पत्र में कहा है कि संपूर्ण भारतीय युवाओं को एक ही वर्ग में रखना उचित नहीं है। इसके कई वर्ग हो सकते हैं, जैसे कि पृष्ठभूमि, संस्कार और उनकी अभिवृत्तियों के आधार पर भारतीय युवाओं को चार प्रमुख उपसंस्कृतियाँ इन्होंने बताई है एससी दुबे ने। फर्स्ट है जिन्हें कि हिप्पी कहते हैं, उनका एक संस्करण भारत में भी है। सेकंड है पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित और अलगाव ग्रस्त परिवारों से आए हुए जो युवा हैं उनकी श्रेणी है। थर्ड है समाज के जो निम्न तबके और मध्यम वर्ग के युवा। और फोर्थ है प्रथम पीढ़ी के शिक्षित युवाओं का ऐसा वर्ग जिनके माता पिता उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आगे उन्होंने बताया है कि विश्वविद्यालय में अशांत युवाओं की जो प्रवृत्तियों पर टिप्पणी भी की है उन्होंने, और कहा है कि हमारे विद्यालय व्यवस्था में कई कमियां हैं और ये व्यवस्था विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की ज़रूरत के अनुसार बनाने में असफल रही है। और विश्वविद्यालयों में भी नए आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी ज़रूरतों पर कोई अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। इस कारण कुछ विद्यार्थी गैर शैक्षणिक पर्यावरण की जो चकाचौंध है उससे प्रभावित होकर अपने रास्ते से भटक जाते हैं और कुछ विद्यार्थी व्यवस्था से असहमति प्रकट करते हुए विद्रोह करते हैं, लेकिन ये अत्यंत अल्प संख्या में होते हैं। तो इस प्रकार एससी दुबे ने यूथ कल्चर, युवा संस्कृति के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो इस प्रकार जो भारतीय समाजशास्त्री है एससी दुबे, श्यामाचरण दुबे, इनका भारतीय समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और विभिन्न पक्षों के बारे में, भारतीय समाज के जो विभिन्न पक्ष हैं, यूथ कल्चर है, जाति श्रेणियां हैं, आधुनिकीकरण है, विकास है, जनजाति है और भारत में जो गांवों का जो बदलता स्वरूप है, उन सब के बारे में, उन विभिन्न पक्षों के बारे में इन्होंने अध्ययन कार्य किया है और अपना समाजशास्त्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।